जैसा कि आपको पता है, मॉरेटोरियम एक्सटेंड हो चुका है अगले 31 अगस्त तक के लिए। पिछले दिनों अगर आपने मॉरेटोरियम लिया था तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप अभी भी लोन अपना रीपेमेंट करने में जो है असमर्थ हैं तो आप मॉरेटोरियम एक्सटेंड कर सकते हैं। आप सभी के बहुत सारे क्वेरीज मुझे रिसीव हुए जहाँ पे आप सभी ने ये कहा कि मॉरेटोरियम कैसे जो है लेना है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाई स्टेप बहुत ही आसान तरीका आपको बताने वाला हूँ, आप अपने किसी भी लोन का मॉरेटोरियम आसानी से ले सकते हैं। बस इसे आप समझना होगा, कुछ आसान से एग्जांपल्स मैं आपको प्रोवाइड करूँगा जिससे कि मदद से आप घर बैठे अपने फ़ोन से मॉरेटोरियम के लिए रिक्वेस्ट डाल सकेंगे। सो मैं नवीन आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंडसेट बुक में। जैसा कि आपको पता है, लोन का मॉरेटोरियम एक्सटेंड करने के लिए RBI ने जो है एक गाइडलाइन फिर से जारी कर दिया है, जिसे लॉकडाउन 4.0 में यहाँ पे मॉरेटोरियम 2.0 जो है आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें क्लियर की हैं RBI ने, लेकिन अगर आप चाहते हैं अपने लोन का EMI एक्सटेंड करना तो आसान से स्टेप को फॉलो करिए। तो सबसे पहला स्टेप आप सभी के रिक्वेस्ट के ऊपर कि बजाज फिनसर्व का हम मॉरेटोरियम कैसे जो है यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो सिंपली इसके लिए हमें जो है अपने गूगल सर्च बार में जाना होगा। गूगल सर्च बार में हमें जाने के बाद जो है आपको यहाँ पे सर्च करना होगा बजाज फिनसर्व लोन मॉरेटोरियम। जैसे ही मैंने ये सर्च किया तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, आपको बजाज फिनसर्व का लिंक क्लिक करना है। मैंने यहाँ पे जो है बजाज फिनसर्व का जो है लिंक क्लिक किया और जैसा कि देख पा रहे हैं ये अब यहाँ पे ओपन हो चुका है कुछ इंस्ट्रक्शन, और यहाँ पे जो है अब आप आसानी से उस बजाज फिनसर्व का मॉरेटोरियम एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पे अप्लाई नाउ का जो है ऑप्शन है, अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे आपको अप्लाई नाउ का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इस पर सिंपली आपको क्लिक करना है और ये जो है रीडायरेक्ट कर देगा आपको जो है अपना जो भी बजाज फिनसर्व का मॉरेटोरियम के लिए एक्सटेंड अगर आप करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सिटी और अपना फ़ोन नंबर डाल के गेट OTP पे क्लिक करना है। ध्यान दीजिए, आपको अपना पूरा नाम जो है डालना है जो कि आपने अपने लोन सेंक्शन करवाते समय जो है दिया है, साथ में आपको लास्ट जो है नेम डालना है एज पर PAN, यानी कि अपना पूरा नाम डालिए, सिटी डालिए और अपना वही मोबाइल नंबर आपको रजिस्टर करना है जो कि आपने यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे ये सारी चीज़ें करेंगे आप गेट OTP पे क्लिक करेंगे, आपको आपके फ़ोन के ऊपर एक मैसेज आएगा, आपको उस OTP को यहाँ पे सबमिट करना होगा। ये था एक तरीका, और इसके बाद आपको जो है दूसरा तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं यहाँ पे अब दूसरा जो तरीका है, यहाँ पे दूसरा जो लिंक है इस पर अगर आप क्लिक करते हैं, बजाज फिनसर्व के बारे में सारी डिटेल्स दी गई है कि कैसे आप लेंगे मॉरेटोरियम, क्या मॉरेटोरियम का जो है रिक्वेस्ट करना होगा आपको, प्लेस क्या करना होगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिखाई देगी। जैसा कि देख पा रहे हैं हाउ कैन आई प्लेस रिक्वेस्ट फॉर मॉरेटोरियम, यहाँ पे इस लिंक के जरिए क्लिक हेयर पे क्लिक करना है आपको, और क्लिक हेयर पे क्लिक करने के बाद आपको मोबाइल नंबर अपना फीड करना है या अपना ईमेल नंबर फीड करना है, OTP पे जो है क्लिक करना है और बस वही प्रोसेस आपको सिंपली दोहराना है। मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ कुछ आसान से स्टेप जिसके बाद आपको किसी भी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं होगी, ना ही किसी से पूछना होगा, आप आसानी से लोन मॉरेटोरियम ले सकते हैं। अब ये तो हो गया लोन मॉरेटोरियम बजाज फिनसर्व का। पे हम देखते हैं अगर आपको जेस्ट मनी से जो है मॉरेटोरियम लेना है तो जेस्ट मनी मॉरेटोरियम पे आपको क्लिक करना है और फिर वही प्रोसेस को आपको क्लिक करना है। आपको बहुत सारे लिंक्स हैं उस पर फर्स्ट टॉप 2 लिंक्स पे ही आपको क्लिक करना है, यहाँ पे ऑप्ट आउट मॉरेटोरियम पे क्लिक करना है और आप यहाँ पे वही प्रोसेस, आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, OTP पे क्लिक करना है और मॉरेटोरियम आप एक्सटेंड कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपने किसी बैंक से लोन लिया हुआ है, सपोज अगर आपने HDFC से जो है लोन लिया हुआ है और आप उसे जो है ऑप्ट इन देना चाहते हैं, मॉरेटोरियम के लिए एक्सटेंड करना चाहते हैं, तो सिंपली आपको सर्च करना है HDFC मॉरेटोरियम और यहाँ पे आपको बहुत सारे लिंक दिखाई देंगे। आपको सिंपली आप RBI मॉरेटोरियम जो पहला ही लिंक है इस पे ही हम क्लिक करते हैं, और जैसा कि स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं यहाँ पे बहुत सारी डिटेल्स आपको दिखाई दे रही हैं। आपको यहाँ पे पूरा तरीका जो है मिल जाएगा कि कैसे जो है आपको अपना लोन मॉरेटोरियम लेना है। जैसे कि देख पा रहे हैं सबमिट योर रिक्वेस्ट इन फ्यू क्लिक्स आर हेयर, यहाँ पे आपको क्लिक करने के बाद आपको अपना डिटेल फीड करना है, यानी कि अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ये सारी चीज़ें आप कंप्लीट फीड करके यहाँ पे मॉरेटोरियम के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपको किसी भी बैंक से लोन अगर आपने लिया हुआ है तो आप इस तरीके से मॉरेटोरियम एक्सटेंड कर सकते हैं। सपोज़
अगर आपने किसी एनबीएफसी से जो है लोन लिया हुआ है तो आपको सिंपल टर्म्स में बता देता हूँ, आपको उस लोन प्रोवाइडर का जो है नाम डालना है यहाँ पे। लाइक अगर मैं, जैसे कि मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स भी दिए बजाज फिनसर्व के बारे में, एचडीएफसी के बारे में, इसी तरीके से लोन प्रोवाइडर, जैसे मान लिया एक्सिस बैंक से आपने लोन लिया हुआ है, एक्सिस बैंक मॉरेटोरियम पे आपको सर्च करना है। मतलब कि जिस प्रोवाइडर से आपने लोन लिया हुआ है उस प्रोवाइडर का नाम और मॉरेटोरियम सर्च करना है। अब जैसे ही यहाँ पे ये क्लिक करेंगे, यहाँ पे पहला लिंक आपको क्लिक करना है, पहला या दूसरा आप क्लिक कर सकते हैं, और फिर ये रीडायरेक्ट कर देगा आपको प्रोसेस के लिए आप कैसे जो है। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक्सिस बैंक का जो है क्लिक किया था, अवेल नाउ पे क्लिक करेंगे आप। अवेल नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, कैप्चर डालना है और सबमिट पे क्लिक करना है। ये सिमिलर से कुछ आसान से स्टेप होंगे और आप सभी बैंक एनबीएफसी से लोन मॉरेटोरियम ले सकते हैं। अगर आपने कोई क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल किया हुआ है, यानी आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड है, उसका अगर ईएमआई आप एक्सटेंड करना चाहते हैं तो बस आपको सिंपली यही प्रोसेस फॉलो करना है। मान लिया एसबीआई का आपके पास कार्ड है तो एसबीआई कार्ड मॉरेटोरियम पे आप क्लिक करेंगे और सिंपली आपको पहले लिंक पे क्लिक करना है। जैसे कि मैं आपको पहले से बताता आ रहा हूँ, यहाँ पे जैसे कि देख पा रहे हैं बहुत सारे स्टेप आपको दिए गए हैं, आपको अपने लिए बेस्ट लिंक चुनना है, इसे आप आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि दूसरा जो लिंक है इस पर क्लिक करके क्लिक हेयर पे आपको क्लिक करना है। अब इसके बाद आपको एक दूसरा पेज ओपन होकर दिखाई देगा जहाँ पे आपको अपना डिटेल फीड करना है और वहाँ पे आप मॉरेटोरियम उस एनबीएफसी बैंक या क्रेडिट कार्ड के लिए मॉरेटोरियम ले सकते हैं। ये था पहला तरीका। अब दूसरे तरीके की अगर मैं बात करूं, दोस्तों इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप पूरा देखिएगा, थोड़ा लंबा ज़रूर वीडियो होगा, लेकिन आपको अगर किसी से भी लोन आपने लिया हुआ है तो आप मॉरेटोरियम आसानी से ले सकते हैं। ये था पहला तरीका। अब अगर मैं दूसरे तरीके की बात करूं तो आपके पास दूसरा जो तरीका है वो है कस्टमर केयर को कॉल करके मॉरेटोरियम के लिए अप्रोच करना। सपोज़ आपके पास कोई आरबीएल क्रेडिट कार्ड है, मैं एग्जांपल की बात कर रहा हूँ, सिंपली आपको इसी तरीके से सर्च करना है। आपको आरबीएल क्रेडिट कार्ड कस्टमर केयर सर्च करना है। अगर आपको नहीं पता है कि कस्टमर केयर नंबर क्या है तो आप सिंपली इस तरीके से सर्च कर सकते हैं। इसके बाद आपको कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं क्रेडिट कार्ड का कॉन्टैक्ट डिटेल मुझे मिल चुका है। सिंपली यहाँ पे मैं क्लिक करके और मॉरेटोरियम के लिए रिक्वेस्ट डाल सकता हूँ। बस इसी तरीके से जो है आपको मॉरेटोरियम के लिए जो है स्टेप फॉलो करने हैं और आप आसानी से लोन मॉरेटोरियम के लिए जो है एलिजिबल हो जाएंगे, यानी कि अप्लाई कर सकेंगे। अब कुछ ज़रूरी चीज़ें, अगर आप लोन मॉरेटोरियम ले रहे हैं तो कुछ ज़रूरी चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगा। अगर आप लोन कहीं से भी लिया हुआ है आपने और मॉरेटोरियम का पहला जो चरण था, यानी फर्स्ट जो यहाँ पे प्रिपरेशन दिया गया था, उससे पहले तक अगर आपका कोई भी ईएमआई ड्यू है, कोई भी एनबीएफसी या फिर बैंक आपका लोन मॉरेटोरियम एक्सेप्ट नहीं करेगा। इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा। अगर आपने लोन एप्लीकेशन से लोन लिया हुआ है तो आपको ध्यान में रखना होगा, मॉरेटोरियम के लिए अपना बैंक स्टेटमेंट फॉरवर्ड करना होगा। उसके बाद वो कंपनी जज करेगी कि आप वाकई में लोन को रीपेमेंट करने में असमर्थ हैं, मॉरेटोरियम के लिए आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको आसानी से जो है मॉरेटोरियम मिल जाएगा। ये कुछ थे आसान से स्टेप जिन्हें आप घर पे बैठ के बिना कहीं गए हुए अपने स्मार्टफोन की मदद से आसानी से मॉरेटोरियम के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। आपका लोन ईएमआई जाने का जो डेट है उससे 5 दिन पहले अगर आपने रिक्वेस्ट डाला है तो वो आपके अगले ईएमआई के ऊपर जो है एप्लीकेबल होगा। आपका जो इस समय का ईएमआई है वो आसानी से जो है आपको देना पड़ेगा। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप आसानी से मॉरेटोरियम ले सकते हैं किसी भी अपने लोन प्रोवाइडर से। बस ये था छोटा सा अपडेट आप सभी के लिए, आप सभी के रिक्वेस्ट के ऊपर। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिए। चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट से जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आप इस तरीके की इंटरेस्टिंग अपडेट को देखते रहें। सो मैं नवीन, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ दोस्तों फिर आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।